स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ जुड़ चुके हैं बड़ी अपडेट के साथ। जैसे आपको हमने सुबह बताया था कि आज वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस मैचेस होने हैं, पर उससे पहले वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर यह है कि न्यूजीलैंड को लगा है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि कप्तान केन विलियमसन पहले मैच से हो गए बाहर। आपको याद होगा कि आईपीएल के दौरान उनको चोट लगी थी और उसके बाद से वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आए थे, क्योंकि उनकी चोट पैरों में काफ़ी गंभीर थी, जिसकी वजह से उनको 3 से 4 महीने लगे रिकवरी करने में। धीरे धीरे रिकवर करके वर्ल्ड कप की टीम में तो आए थे, पर 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच होना है और उस मुकाबले से पहले आज न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस मैच भी होना था। और उसमें आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की तरफ से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो पहला मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, उससे बाहर हो गए। अभी तक सिर्फ पहले मैच से बाहर हुए हैं। पूरे वर्ल्ड कप में देखा जाएगा, अगर वो पूरी तरीके से फिट हो जाते तो अगले मुकाबले के लिए वो आ जाएंगे, पर न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी टीमों के लिए। अब और उसके सामने कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है वर्ल्ड कप 2023 की विनिंग टीम के हिसाब से। तो उस लिहाज से केन विलियमसन जो एक कप्तान है और ऊपर से इतने बड़े बैट्समैन है, उनके ना रहते हुए न्यूजीलैंड को टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार टॉम लैथम जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दोनों टीमों की क्या होगी, यानी कि जो वर्ल्ड कप की टीम है, 15 सदस्यीय टीम दोनों टीमों ने अनाउंस किया। आपको दोनों टीमों की टीम बताते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम बताते हैं जो उन्होंने घोषित किया था। केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया था, ट्रेंट बोल्ट, मार्क डेवन कॉनवे, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, जिमी नेम्सम, ग्लेन फिलिप्स, रैचिन रविंद्रा, मिचेल सेंट्रन, इशोडी, टिम साउदी और विल यंग। ये 15 खिलाड़ियों की टीम थी न्यूजीलैंड की, जिसमें अब केन विलियमसन बाहर हो गए, उनकी जगह टॉम लैथम को कप्तान बनाया गया, यानी पहले मैच में ये कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम कुछ इस तरह से है कि जॉस बटलर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, मोइन अली, गस, जॉनी बेस्ट्रो, सैम करन, लियम लिविंगसन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, ऋषि टोपले, डेविड विले, मार्क वुड, क्रिस वोक्स। ये कुछ इस तरीके से इंग्लैंड की टीम। आपको पता है इंग्लैंड की टीम 9 नंबर 10 नंबर तक बल्लेबाजी करने में सक्षम है, वहीं पर उसकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है, उसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। और वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम, जिसकी अभी बहुत अच्छी हालत नहीं थी, ऊपर से केन विलियमसन चोटिल होके कप्तान बाहर हुए, एक तरीके से बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें अभी तक से पहले मैच से, यानी कि जो 5 अक्टूबर को पहला मैच होगा वर्ल्ड कप का, उसी मैच से बाहर हुए। अब देखना होगा कि अगर वो सही वक्त पर रिकवर हो जाते तो आपको अगले मैच, यानी कि दूसरे मैच जब भी न्यूजीलैंड का होगा, उसमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी पूरी अपडेट जो आई है कि पहले मैच से केन विलियमसन बाहर हुए। तो ये थी पूरी अपडेट, अभी के लिए दीजिए इजाजत। फिर भी कोई फिर से दोबारा से कोई बड़ी खबर आएगी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए चैनल को।